चांदनी चौक में पानी पूरी के ठेले पर खड़े होकर जीजा जी, इलायची जी और पिंटू भाभी जी कर रहे हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन। भाई डिस्कशन है प्यार की, दिल के हाल की। ऐसे में पानी पूरी का वो चटपटा स्वाद आई एम श्योर मजेदार तो बना ही देगा इस कॉन्वर्सेशन को। चांदनी चौक की गली में ठेले पर छोले भटूरे खाते खाते जीजा जी और इलायची को क्या सॉलिड आइडिया आ गया है। छोले बहुत चटपटे हैं ना? बहुत अच्छा है इलायची जी, मेरा तो मन कर रहा है एक दो प्लेट और खा लें। क्या बात कर रहे हो, इसी गली से ना मेरा मेरी मेरी डोली गुजरेगी ना शादी के बाद, तो वहाँ पे ना दो प्लेटें जरूर पहुँचा देना, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहते हो बताओ, तुम सुन रहे हटाओ। तगड़ा आइडिया, और ये तगड़ा आइडिया मतलब आज रात को ही हो जाना चाहिए, इतना बड़ा कुछ करना पड़ेगा कि मतलब मजा ही आ जाए, समझ रहे हैं ना। अब इन दिनों घर में इलायची की शादी की बातें हो रही है और हम सब जानते हैं कि इलायची का टाका तो जीजा जी के साथ भिड़ा हुआ है, तो ऐसे में वो अपनी शादी से दूर कैसे भागे। फिर क्या उसके दिमाग में एक सॉलिड आइडिया आया है पुनर्जन्म का। जब तक आप ये पुनर्जन्म वाला नाटक कर रहे हैं ना, किसी भी हालात में शेर जी आपकी शादी कहीं पर नहीं होनी चाहिए, ये पक्की। खिचड़ी नहीं छोले भटूरे पक रहे हैं और इलायची जी ने एक आइडिया निकाला था जिसमें हमें पुनर्जन्म का नाटक करना है, तो बस वो नाटक अभी शुरू ही हुआ है। उनकी शादी की भी बात चल रही है तो वो काफ़ी चिंतित है, तो हम उन्हें बोल रहे हैं चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक ये पुनर्जन्म की आपने कहानी सेठ जी को सुनाई हुई है तब तक कुछ नहीं होने वाला, आप बेफिक्र रहिए। लेकिन वो फिर भी चिंतित हैं। पुनर्जन्म की कहानी वो अपने बाबा को सुनाएगी, यानी कि इलायची बन जाएगी रेशमा और वहीं जीजा जी बन जाएंगे लॉर्ड रेंचो। वाह, इनकी लव स्टोरी की कहानी जब पूरा परिवार सुनेगा तो क्या सोचेगा। वो एक अजीब सा किरदार कर रही है, मतलब बहुत अच्छा कर रही है, और मैं लॉर्ड रैंचो बना हूँ और पिंटू डॉक्टर बना है, तो हम ऐसे कुछ किरदार लेंगे और पुनर्जन्म की एक्टिंग करेंगे, और सेठ जी ऐसी स्थिति में इलायची जी से शादी तो नहीं करवाना चाहेंगे किसी और की। इस ठेले पर इसी बात के बारे में विचार विमर्श किया जा रहा है। जीजा जी, आज रात याद रखिएगा। भैया ने तल दो, इसके अंदर तल दो इन्हें जरा, फिर और मजा आएगा, भटूरा बन जाओगे। पंचम मसाला। इलायची और जीजा जी तो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर पिंटू भाभी भी परेशान हैं, क्योंकि आजकल पिंकी जी का दिल जो उन पर आ गया है। भाई रब्बा, पिंकी अंकल भी आपके दीवाने तो नहीं हो गए? बड़ी हंसी आ रही है तुम लोगों, हंस लो, बोल लो खींचे अपनी अपनी। अरे पड़ी नहीं ना कभी पुलिस की, हम पे पड़ी, हम जानते हैं। अब सच में चांदनी चौक के मोहल्ले में बहुत ही गोलमाल चल रहा है, इस गोलमाल की बदौलत ही तो सीरियल को लोग देखना पसंद करते हैं। अब दिन भर के स्ट्रेस को हटाने के लिए कॉमेडी शो सबसे अच्छी दवाई है, क्यों जीजा जी और इलायची। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।